मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान साहब जिहड़े साडे पंजाब दे चीफ मिनिस्टर ने उन्हां दी सोच और कह सकते हैं कि उन्हां दी बड़ी डूंगी सोच और बड़ी पॉजिटिव और बड़ी फॉरवर्ड सोचिंग है जिहदे तहत पंजाब सुरक्षा फोर्स बनेगी है, सड़क सुरक्षा फोर्स बनेगी है। इहदा मतलब यह है कि जिहड़े पंजाब दे विच सब तो वध एक्सीडेंट डैथस होंदियां ने उहते कंट्रोल होगा, साडियां बहुत कीमती जानां जिहड़ियां बचा होगा। तुसीं देखिया होना कि किन्नियां वधिया गड्डियां ने और जिवें फॉरन जाने असीं उत्थे पिक्का होंदे ने उहदे तर्ज ते इह गड्डियां जिहड़ियां साडी फोर्स नूं दित्तियां गईआं ने और पूरे पंजाब दे विच 144 गड्डियां हल शुरुआत कीती है मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने। उहदे विचों 5 जिहड़ियां सानूं गड्डियां डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब नूं मिलीआं पुलिस नूं और 70 साडे जिहड़े मुलाजम भरा ने भैणां ने उह इहदे विच तैनात रहणगे और जो जो समां होर होगा ज़्यादा होर भी गड्डियां आउणगीआं। ते बहुत वड्डा उपराला है ये पंजाब लई इक डूंघी सोच और जिहड़ी कह सकदे पॉजिटिव सोच का नमूना जो सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने पंजाब के लोगों नूं उन्हां दी सेवा विच दित्ता। मैं धन्नवाद करना चाहांगा साडे मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने कि एक बहुत वधिया उन्हां दी सोच नाल साडे लोगों दीआं बहुत ही कीमती जानां पंजाबीआं दीआं वो बचणगीआं। परमात्मा अग्गे अरदास करदे आं कि पंजाब जिहड़ा चढ़दी कला विच रखे रहे अते रंगला पंजाब बने। एक यूनीक सिस्टम है जिहड़ा सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई है और इस दे राही पंजाब सरकार का जिहड़ा इनिशिएटिव है मानयोग मुख्यमंत्री साहब की जिहड़ी सोच है वह जिहड़ा डाटा अपने कोल आंदा सी पार्लियामेंट च भी डिस्कस होंदा है कैजुअलिटी नूं लेकर के सड़क दे विच जिहड़ी कैजुअलिटी होंदी है उहनूं अवॉइड करन वास्ते उहनूं जिन्ना मिनीमाइज़ करन वास्ते एक इनिशिएटिव लिता गया है जो इंडिया दे विच सब तो पहले पंजाब पुलिस दे विच शामिल हुई है। सो इससे कैजुअलिटी जिहड़ी हैगी उहनूं आपां मिनीमाइज़ कर सकते हैं, जिहड़ी लोकां नूं असिस्टेंस मिनिमम टाइम दे विच प्रोवाइड की जा सकती है वो असिस्टेंस हो सकती है। ये सिंपली वन डायल सिचुएशन दे विच वन डायल दे विच सारी की सारी फैसिलिटी इंजर्ड नूं या कोई और विक्टम नूं इमीडिएटली प्रोवाइड की जा सकती है। सो एक बड़ा यूनीक है जो कि हर किसी दे वास्ते बीइंग ए पुलिस ऑफिसर इट इज़ न्यू फॉर अस ऑल्सो। सो जिन्ना इस दे विच असी बैटर टू बैटर करके पब्लिक नूं सर्विस दे सकते असी अपनी कोशिश करांगे। सारे 24 घंटे चलणगे? बिल्कुल जी, ये फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी और जिन्ने नेड़े उन्हां दे थाने हैगे उन्हां दे नाल इन्हां दा राबता रहेगा। जिहड़ी मेडिकल असिस्टेंस वास्ते जिन्नी एंबूलेंसिस उस एरिए दे विच है उसकी असिस्टेंस भी असी वो सारा टाइप कर रहे हैं। मानयोग SSP साहब दे भी दिशा निर्देश है जिस दे अनुसार अपने एरिए दे विच मेडिकल असिस्टेंस इमीडिएटली उस पर्टिकुलर स्पॉट ते जो भी फैसिलिटी इमीडिएट हो सकती है उन्हां दे नाल अपने कोऑर्डिनेशन और कॉन्टैक्ट होएगा। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਪੱਕਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੇ ਰਾਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।